कोई वर्ग नहीं बचा जिसको सड़क पे आने की आवश्यकता नहीं पड़ी अपने हकों के लिए। किसान को किसान आंदोलन में अपने भाव बचाने के लिए एक साल तक, सवा साल तक धरने लगाने पड़े, 750 घरों के चिराग बुझ गए, मगर सरकार का घमंड नहीं टूटा, अहंकार नहीं कि बात करना भी ठीक नहीं समझा। किसान को आना पड़ा, कर्मचारी को आना पड़ा, महिलाओं को, आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी वर्करों को आना पड़ा, मनरेगा की मजदूरों को अपनी दिहाड़ी के लिए सड़क पे आना पड़ा, नौजवानों को एक के बाद एक भर्ती के घोटाले, और फिर फौज का 4 साल की अग्निपथ ला के पक्की भर्ती फौज की बंद करी तो नौजवानों को सड़क पे आना पड़ा, खिलाड़ियों को यहाँ तक की सड़क पे आना पड़ा, जो हरियाणा खिलाड़ियों के लिए जाना जाता था वो आज ओलंपिक के और कॉमनवेल्थ के खिलाड़ी विजेता सड़क पे हैं कि हमें पदलाव पदक पाओ की हुड्डा साहब की नीति के अनुसार जॉब मिले, कुछ रोजगार मिले। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को भी सड़क पे आना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार के लिए, और ऐसे कोई जो सरकार के मंत्री बैठे हैं जो चंडीगढ़ में अपने ऐसी दफ्तरों में, कोई शिक्षा मंत्री अगर एक दिन भी हरियाणा किसी गांव के स्कूल के अंदर अगर एक बच्चे को भी अगर धरने में बैठना पड़े तो उनको डूब के मरने की उनके लिए बात है उनसे बात। और यहाँ पे तो 250 स्कूल के बच्चे धरने में बैठे, 250 स्कूलों के बच्चे, जिसमें 4 तो आदमपुर के थे, और 4 आदमपुर के स्कूल थे। चुनाव था 5 महीने पहले, कुलदीप बिश्नोई जी ने वोट दे दी थी बीजेपी को, 5 महीने तक बच्चे धरने बैठे रहे, लेकिन परवाह नहीं। ऐसी सरकार जिसने हरियाणा को पटरी से उतार दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचा दिया, हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम किया, आज महंगाई की चोट, हर गरीब परिवार को आज महंगाई की चोट से हर गरीब परिवार का बजट बिगाड़ने का काम किया, और विकास को ठप करने का काम किया। आज किसी गाँव में खैरमपुर से लेकर आदमपुर तक और आदमपुर से लेकर चंडीगढ़ तक किसी गाँव में आप चले जाओ, अगर आपको विकास कहीं होता दिखे तो आप आज विकास ठप हो गया। तो मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ, फैसला अब आपके हाथ में आ गया, आपको फैसला करना है। इस खट्टर सरकार का, बीजेपी जेजेपी सरकार का 5 साल का इनको लाइसेंस, इनका रिन्यू करोगे आप, इन्हीं को 5 साल का लाइसेंस दोबारा से दोगे, या इस सरकार का लाइसेंस कैंसिल करने का काम करोगे? भाई ये सरकार रखोगे या ये सरकार बदलोगे? बदलो, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन ये सरकार बदलने में है। बदलाव जरूरी है।